हेलो फ्रेंड्स आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ब्लड प्रेशर. सो लेट्स स्टार्ट ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर दैट द ब्लड एक्सर्ट्स ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स. वो प्रेशर जो ब्लड के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है कहाँ पे? इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे ये एक ब्लड वेसल है ये इसकी वॉल्स हैं तो इन पर जो प्रेशर अप्लाई करता है ब्लड क्या होता है जब लेफ्ट वेंटिकल में कॉन्टैक्शन होता है तो उसके बाद ब्लड ऑटा में जाता है और आफ्टर डेड ब्लड वेसल जैसे आर्टरीज पर एक प्रेशर अप्लाई करता है वो जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है इन दी वॉल्स ऑफ आर्टरीज उसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अबर ब्लड प्रेशर टू अ नॉर्मल लिमिट ब्लड प्रेशर को मेनटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है सो वाई बिकॉज अगर ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाएगा तो हमारे ऑर्गन्स को टिश्यूज को एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी जिससे ऑर्गन डैमेज हो जाएगा और अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी आर्टरीज पर बहुत प्रेशर पड़ेगा जिससे आर्टरीज फट सकती हैं सो दैट्स वाई वी हैव टू मेनटेन अवर ब्लड प्रेशर नाउ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर फर्स्ट वन इज़ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन तो वैन दी लेफ्ट वेंटिकल कॉन्टैक्ट्स एंड पुसेज ब्लड टू दी ऑटा प्रेसर प्रोड्यूसेज विद इन दी आर्टीरियल सिस्टम क्या होता है जब लेफ्ट वेंटिकल में कॉन्टेक्शन होता है तो ब्लड ऑर्टा में पुस होता है तो उस वक्त जो प्रेशर पड़ता है इन दी वॉल्स ऑफ आर्टरीज उसे ही सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है और नॉर्मल जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वन ट्वेंटी बाई एटी एम एम एच जी या सिक्सटीन किलो पासकल नाउ सेकेंड इज डायस्टोलिक प्रेशर डाइस्ट्रॉल का मतलब होता है जब हमारा हार्ट रेस्टिंग पोजिशन में होता है मिनिमम प्रेशर डूरिंग टू हार्ट बीट्स इन इनकम्प्लीट कार्डियर डाइस्ट्रॉल वैन हार्ट इज इन रेस्टिंग पोजिशन देशर विद इन द आर्टरीज इज मच लोवर जब लेफ्ट वेंटिकल से कॉन्टेक्शन हो गया होता है इंजेक्शन हो गया होता है तो जब हार्ट रेस्ट पोजिशन पर होता है उस वक्त हमारी आर्टरीज पर प्रेसर बहुत कम होता है एज कंपेरिजन टू सिस्टोलिक तो प्रेसर तो उसे ही डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और जो नॉर्मल डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर होता है वो होता है एटी एम एम एच जी या इलेवन किलो पास्कल नाउ स्फिग्मो मैनोमीटर इस्फिगमो मैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे जिसके हेल्प से ब्लड प्रेशर मेज़र किया जाता है इस्फिगमो मैनोमीटर और स्टेथोस्कोप की हेल्प से करते हैं और ये इस्फिगमो के पार्ट्स हैं ट्यूब वॉल्व बल्ब गॉच और कफ सो नाउ ब्लड प्रेशर दैट इज़ टू लो इज़ कॉल्ड हाइपोटेंशन प्रेशर दैट इज़ कंसिस्टेंटली टू हाई इज़ कॉल्ड हाइपर टेंशन एट नॉर्मल प्रेशर इज़ कॉल्ड नॉर्मो टेंसन जब हमारा ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है मीन नाइन्टी बाई सिक्सटी एम एम एच जी से कम हो जाता है तो इसे हाइपर टेंशन कहते हैं और जब वन फोर्टी बाई नाइन्टी एम एम एच जी से ज़्यादा हो जाता है तो इसे हाइपर टेंशन हैं एंड अवर नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज वन ट्वेंटी होता है सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर में होता है वन ट्वेंटी टू वन ट्वेंटी नाइन के बीच में एंड डायस्टॉलिक में होता है एट्टी टू एटी फोर के बीच में एंड एज वी हैव रीड के हाइपर टेंशन में ब्लड प्रेशर uh, जो होता है वो वन फोर्टी बाई नाइनटी एम एमएच जी से ज्यादा चले जाते हैं तो इसमें भी ग्रेड वन ग्रेड टू और ग्रेड थ्री का हाइपर टेंशन है सो नाउ वट इज़ आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपर टेंशन इसमें क्या होता है इसमें हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो वन थर्टी और वन फो वन थर्टी या वन फोर्टी से ज़्यादा चले जाते हैं बट डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो नाइन्टी या एटी से कम हो जाता है मोस्टली जो ओल्ड एज के लोग होते हैं सिक्सटी फाइव से ऊपर उनमें ये देखने को मिलता है नाउ फर्स्ट इज़ हाइपर टेंशन हाई ब्लड प्रेशर जो हमारा ब्लड प्रेशर वन फोर्टी बाई नाइन्टी एम एम से ज़्यादा चले जाते हैं तो इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं फर्स्ट इज ऑब्सट्रकटिव स्लीप एपनिया ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या होता है जब ऐसे मसल्स जो हमारे थ्रोट को टंग को सॉफ्ट पैलेट इनके सॉफ्ट टिश्यूज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो टेम्परली रिलैक्स हो जाते हैं तो जब मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो एयरवे या तो नैरो हो जाती है या क्लोज हो जाती है एज़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर की एय वे जो है हमारी वो क्लोज हो गई है तो इसके वजह से ब्रीथिंग कुछ समय के लिए कट ऑफ हो जाती है ये एक सीरियस स्लीप डिसऑर्डर भी है तो जब सडन ड्रॉप हो जाता है हमारे ब्लड ऑक्सीजन लेवल में तो इससे ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है नाउ सेकेंड इज़ किडनी डिज़ीज़ सो एज़ वी ऑल नो दैट कि हमारी किडनीज एक की रोल प्ले करती हैं हमारे ब्लड प्रेशर को एक हेल्थी रेंज तक रखने में बट अगर किडनी में कोई डिजीज़ हो जाए तो किडनी लेस एबल हो जाती है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में और एज अ रिज़ल्ट ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है एंड थर्ड इज़ थायराइड डिसऑर्डर थायराइड डिसऑर्डर से कैसे हमारा थायराइड डिसऑर्डर कैसे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है सो जब हमारा थायराइड ग्लैंड या तो इनफ थायरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है मतलब हाइपोथायरॉइडिज़म हो जाता है या तो बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है मतलब हाइपर थायरॉयडिज़म हो जाता है तो एज अ रिज़ल्ट ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है एंड फोर्थ दी सर्टेन मेडिकेशन सच एज बर्थ कंट्रोल पिल्स ये भी हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देती हैं हाइपर टेंसन कॉज कर सकती हैं कैसे क्योंकि सभी जो बर्थ कंट्रोल पिल्स एंड अदर जो हार्मोनल बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं वो ऐसे हार्मोन्स कंटेन करते हैं जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं कैसे बाय नैरोइंग स्मॉलर ब्लड वेसल्स स्मॉलर ब्लड वेसल्स को नैरो कर देती है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है लेकिन uh, नियरली जो सभी बर्थ कंट्रोल पिल्स और वेजाइनल रिंग्स ये सभी इस बॉडी के साथ ही जाती हैं कि हाई बी पी में बी ए साइड इफेक्ट सो इस तरह हम बर्थ कंट्रोल पिल्स हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं एंड फिफ्थ इज इलीगल ड्रग्स सच एज कोकीन एंड एम्फिटामाइंस कोकीन एंड एम्फिटामाइंस भी हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकती हैं। एम्फिटामाइंस क्या होते हैं एम्फिटामाइन एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट होता है जिससे हमारी कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है और अगर हमारी कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो गई तो दैट्स मीन कि ब्लड प्रेशर भी हमारा बढ़ेगा सो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है सो नाउ रिस्क फैक्टर्स फर्स्ट इज एज एज पढ़ने के साथ साथ क्या होता है एज पढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई होता है क्योंकि ब्लड वेसल्स एज के साथ साथ हार्डन हो जाते हैं और इलास्टिसिटी अपनी लूज कर देते हैं जिस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है सो दैट्स वाई ओल्डर पीपल आर मोर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाई बी पी सेकेंड इज रेस जो ब्लैक पीपल होते हैं मोस्टली अफ्रीकन अमेरिकन दे सिग्निफिकेंटली हैव हायर रेट्स ऑफ हाइपर टेंशन कंपेयर टू वाइट्स। सो नाउ फैमिली हिस्ट्री अगर किसी पेशेंट की कोई फैमिली हिस्ट्री है हाइपर टेंशन की तो उसमें भी रिस्क होता है कि उससे भी हाइपर टेंशन होगा एंड नाउ फोर्थ इज बींग ओवर वेट और ओबीस ये भी एक रिस्क है हाइपर का कैसे बिकॉज जो ओवरवेट या ओबीस पीपल होते हैं उनके हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करने में और इसी एक्स्ट्रा एफर्ट से आर्टरीज़ में स्ट्रेन खिंचाव तनाव पैदा हो जाता है जिससे आर्टरीज ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस डेवलप कर देती हैं और इन रिज़ल्ट ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एंड नॉट बींग फ़िज़िकली एक्टिव अगर हम फिज़िकली एक्टिव नहीं है इससे भी हाइपर होता है एंड यूजिंग टोबैको Uh, इससे कैसे हाइपरटेंशन होता है uh, क्योंकि सिगरेट और अदर जो तबैको प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें निकोटीन प्रजेंट होता है जो ब्लड वेसल्स को नैरो कर देती हैं और जिससे हार्ट हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और बीपी हाई हो जाता है मतलब हाइपरटेंशन टेंशन कॉज हो सकता है एंड यूजिंग टू मच सॉल्ट इन योर डाइट अगर हमारा सोडियम इंटेक बहुत ज़्यादा है तो उससे भी हाइपर टेंसन कॉज हो सकता है क्योंकि सोडियम क्या करता है वो हमारे हार्ट को कॉन्टेक्ट कराने में हेल्प करता है तो हमारा हार्ट जितनी तेज़ी से हमारे हार्ट में कॉन्टेक्शन होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर उतना हाई होगा तो अगर हम सोडियम इंटेक अपना कम कर दें उससे भी हाइपर टेंशन कंट्रोल में आ सकता है एंड ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल बहुत ज़्यादा एल्कोहल का अगर हम यूज़ करें तो उससे भी हाइपर टेंशन हो सकता है एंड जो सोडियम होता है टू मच सोडियम कैन कॉज फ्लूड रिटेंसन विच कैन इंक्रीज अवर ब्लड प्रेशर नाउ कॉम्प्लिकेशनस क्या क्या हैं हाइपर टेंशन के फर्स्ट इज़ हार्ट अटैक और इस्ट्रोक हार्ट अटैक हो सकता है एन्यिज्म मीन एक्सेसिव स्वेलिंग ऑफ द वॉल ऑफ एन आर्ट्री आर्ट्रीज की वॉल्स पर एक्सेसिव स्वेलिंग हो जाती है मेटाबॉलिक सिंड्रम हार्ट फेलियर थिक्कन नैरोड और टॉन ब्लड वेसल्स इन दी आईज रेटिना की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो या तो थीक हो जाती हैं या तो उनमें स्वेलिंग हो जाती है ट्रबल विथ मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग एंड डिमेंसिया मीन मेडनेस सो ये सब कॉम्प्लीकेशंस हैं हाइपर टेंशन के नाउ ट्रीटमेंट चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल कैन हेल्प टू कंट्रोल एंड मैनेज हाई ब्लड प्रेशर ईट अ हार्ट हेल्थ डाइट विथ लेस सॉल्ट कम नमक खाना है एंड हेल्थी डाइट लेनी है गेटिंग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी फ़िजिकली एक्टिव रहना है मेंटेनिंग अ अल्थी वेट और लूजिंग वेट इफ़ यू आर ओवरवेट और ओबीज एंड लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ एल्कोहल यू ड्रिंक सो नाउ मेडिकेशन मेडिकेशन क्या क्या हैं जो हाइपर को ट्रीट करने में यूज़ में लाई जाती है? diuretics. Diuretics हैं फर्स्ट इज डायटिक्स डायोरेटिक्स समटाइम्स कॉल्ड वाटर पिल्स इन्हें वाटर पिल्स भी कहा जाता है दैट हेल्प किडनीज टू eliminate वाटर एंड सोडियम फ्रॉम दी बॉडी ये किडनी से वाटर एंड सोडियम को इलिमिनेट करने में हेल्प करती हैं एज वी हैव read कि सोडियम जो होता है वो हमारी हार्ट की कॉन्टेक्टिलिटी को बढ़ा देता है और हमारे हार्ट की कॉन्टेक्टिलिटी जितनी तेज होगी उतना ज़्यादा हमारा ब्लड प्रेशर होगा सो डायबिटिक्स हेल्प करता है किडनीज को किडनीज से इलिमिनेट करने में वाटर एंड सोडियम को दीज ड्रग्स आर ऑफन द फर्स्ट मेडिकेशन ट्राई टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर तो so, डायबिटिक्स जो कॉमनली यूज में लाए जाते हैं इज हाइड्रोक्लोरोजाइट एंड क्लोरथैलीडोन नाउ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स तो कैल्शियम क्या करता है कैल्शियम हमारे हार्ट और आर्टरीज को मोर स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करता है तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैल्शियम को हमारे हार्ट के सेल्स में एंटर करने से प्रिवेंट करती है जिससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स और ओपन हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कॉमनली यूज़ में लाए जाते हैं वो हैं एम्लोडिपिन एंड डिल्टियाजम नाउ बीटा ब्लॉकर्स दिस मेडिकेशंस रिड्यूस द वर्क लोड ऑन योर हार्ट हमारे हार्ट के वर्क लोड को रिड्यूस कर देती हैं एंड वाइडन योर ब्लड वेसल्स कॉजिंग योर हार्ट टू बीट स्लोअर विथ एंड विथ लेस फोर्स और हमारी हार्ट ब्लड वेसल्स जो नैरो हो गई होती हैं जिससे हमारा हार्ट रेट फास्ट हुआ होता है तो उसे वाइडन कर देती हैं जिससे हमारा हार्ट बीट कम हो जाता है और जिससे ब्लड प्रेशर फिर कंट्रोल में आ जाता है बीटा ब्लॉकर्स जो कॉमनली यूज में लाए जाते हैं वो है एसीब्यूटोलॉल एटीनोलॉलॉल बीटा ब्लॉकर्स आर नॉट यूजली रिकमेंडेड एज दी ओनली मेडिकेशन यू आर प्रिस्क्राइबड बट दे मे बी इफेक्टिव वैन कम्बाइंड विद अदर ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस दूसरी जो ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस होती हैं उनके साथ में इसे कंबाइन करके दिया जाता है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है नाउ लो ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन जब हमारा ब्लड प्रेशर नाइन्टी बाई सिक्सटी एम एम एच जी से कम हो जाता है तो इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं फर्स्ट इज़ प्रोलोंग्ड बेड रेस्ट अगर हम लंबे टाइम से बेड रेस्ट हैं तो उससे भी हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और जैसे अगर हम बैठे होते हैं तो अगर हम अचानक से खड़े उठें तो भी हमारा हमें चक्कर आने लग जाते हैं हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है उसे ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहते हैं सेकेंड इज़ प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है बिकॉज दी ब्लड वैस एक्सपेंड इन दिस स्टेज टू अकोमोडेट मोर ब्लड एंड मोर ब्लड बींग रिलोटेड टू दी फीटर्स जिसके वजह से हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है एंड सर्टेन मेडिकेशंस कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को लो कर देती हैं एंड हार्ट प्रॉब्लम्स सो ये सब कॉजेज हैं लो ब्लड प्रेशर के नाउ ट्रीटमेंट फॉर लो ब्लड प्रेशर यूज़ मोर सॉल्ट अपना सोडियम इंटेक बढ़ाना है जिसके वजह से हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़े, और अगर हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा ड्रिंक मोर वाटर अपना फ्लूड इंटेक बढ़ाना है जिससे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो और डिहाइड्रेशन प्रीवेंट हो ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं टू ट्रीट हाइपोटेंशन एंड वीअर कॉम्प्रेसन स्टॉकिंग्स इलास्टिक स्टॉकिंग्स पहनने हैं जो पुअर सर्कुलेशन के वजह से वेंस में स्वेलिंग हो गई होती है उसको प्रीवेंट करने में ये हेल्प करता है एंड नाउ मेडिकेशंस मेडिकेशंस में मोस्टली फ्लूड्रोकॉटिसोन और मीडोड्रीन यूज़ में आता है टू ट्रीट हाइपोटेंशन नाउ फैक्टर्स डिटरमिनिंग ब्लड प्रेशर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं फर्स्ट इज एज एज वी हैव रीड की एज बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ब्लड प्रेशर कम होता है देन जो ओल्डर पीपल होते हैं सेकेंड इज़ रेस ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो ब्लैक पीपल्स होते हैं मोस्टली अफ्रीकन अमेरिकन उनका ब्लड प्रेशर हाइपर टेंशन रेट ज़्यादा होता है कम्पेयर टू वाइट्स एंड थर्ड इज़ बॉडी बिल्ट जो मोटे लोग होते हैं उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है दैन जो पतले लोग होते हैं फोर्थ इज़ डायरनल वेरिएशंस मतलब डायरल वेरिएशंस मतलब होता है कि दिन भर में हमारी हमारे ब्लड प्रेशर में जो चेंजेस आते हैं उसे डायरल वेरिएशंस कहते हैं जैसे हम जब सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो उस वक्त हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा लो होता है एंड दोपहर के समय में हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है एंड देन अगेन शाम के समय में हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा लो होता है एंड आफ्टर मील्स आफ्टर मील्स हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो जाता है थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है डूरिंग स्लीप डूरिंग स्लीप हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है एंड इमोशनल कंडीशंस इमोशनल कंडीशंस जैसे हम एंग्री हुए होते हैं या हम सैड होते हैं तो इस वक्त भी हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है एंड आफ्टर एक्सरसाइज आफ्टर एक्सरसाइज भी हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है एंड वन मोर इज़ जेंडर फीमेल का ब्लड प्रेशर थोड़ा कम होता है दैन मेल्स फाइव एम एम एच जी कम होता है और ये तब तक होता है जब तक फ़ीमेल मैनोपॉज की स्टेज तक नहीं पहुँचाती मतलब जब मैंस्ट्रोल साइकिल स्टॉप हो जाता है अराउंड फोर्टी फाइव एच सो देट्स ऑल अबाउट ब्लड प्रेशर इफ़ यू लाइक द वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू